ये मछली और चावलों की तहन लगा दी। अब मैं इसको दम पे लगाने लगी तकरीबन 5 से 10 मिनट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सास बहू के किचन में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और आज हमारे किचन में बन रही है जी फ़िश की बिरयानी। और इसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो ये बोनलेस फिश मैंने खरीदी, उसको बाद इसको मैंने धोया है, नमक और लहसुन पहले लगा के रखा है 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको मैंने वॉश करके जो खुशक की है, खुशक करने के बाद इसमें इमली का गूदा लिया और तकरीबन गूदा तकरीबन आधा कप, और उसमें मैंने दो और चम्मच ये कितने फिश है? ये 1.5 किलो 1.5 किलो 1.5 चम्मच अजवैन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, लाल मिर्च दादर की हुई और नमक और मिर्च और जर्दा रंग, वो मैंने मिक्स सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर मैंने इसको मछली को लगा दिया और इसको 3-4 घंटे के लिए रख दिए। फिर इसको बाद इसको मैंने फ्राई किए, फ्राई करने के बाद ये इसका ये ऐसे। चलो जब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने ऑयल डाला देखती हूँ। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ प्याज 1 किलो कटा हुआ, 1 किलो कटा हुआ प्याज, इसको हल्का सा मैंने सौते करना है। प्याज को आपने हल्का सा बस इसको सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। प्याज को थोड़ा सा मैंने सौते कर लिए, ये देख रहे हैं आप इसका जो अकड़ा कौन होता है ना, कोई मसला नहीं अभी वो ज़रा नरम हो जाते हैं और पानी भी ज़रा खुशक हो जाता है, इसलिए इसको इस तरह सौते करना। उसके बाद इसमें टमाटर 1 किलो टमाटर हैं, ये 1 किलो टमाटर है क्योंकि इसका हमने मसाला बनाना है ज़रा ज़्यादा, तो ये 1 किलो टमाटर डाल दें। अब तहू वाली बिरयानी बनेगी, फिश की तहू वाली बिरयानी। लहसुन और अदरक ये सब कुछ आपने इसमें इकट्ठा ऐड कर दिया। अब इसमें जा रहा है जी नमक बराबर के 2 चम्मच। ये हम बना रहे हैं 1.5 किलो चावल। क्योंकि हमने राइस अलग से बॉईल करने हैं और उसमें भी नमक होगा, तो पहले आप मसाले में ज़रा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 2 चम्मच, लाल मिर्च, हल्दी आधी चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च दादर की तकरीबन बड़ा 1 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स हैं जी, दादर लाल मिर्च जिसको कहते हैं, हो गया ये आपने किया मिक्स। और अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा गलने के लिए रख दें। ओके, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि अभी टमाटर जो है वो भी अपना पानी छोड़ देंगे तो ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। चलिए अब इसका फ्ले इसको जो है वो ढक्कन दे के हम गलने के लिए रखने लगे हैं। ये जो मैंने मसाला रखा था उसके लिए फिश के लिए, क्योंकि सारा मसाला साबुत था सिवाय अदरक पिसा हुआ था, बाकी लहसुन टमाटर और प्याज बिल्कुल मैंने मोटे मोटे चॉप करके डाले हुए हैं। और ये मसाला भी देखे ना मोटा मोटा सा है और इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि ये तहू वाली बिरयानी में बन डालना है और इसका टेस्ट आता है खाने में। ग्राइंड नहीं करना, हाँ ग्राइंड नहीं करना, ये देखो भुना गया, अब ये भुना गया, इसका ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें मैं फिश ऐड करूँ, इसका कलर कितना खूबसूरत आया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ ये फिश, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं फिश ऐड कर दी और 1 चम्मच गरम मसाले का डालूंगी पिसा हुआ। ये
देखिए जी इसका कलर कितना प्यारा है। ये देखिए एक चम्मच गरम मसाले पिसा हुआ गरम मसाला आपने ऐड किया, इसको मिक्स करेंगे। और ये हमारा जो तेहो वाली बिरयानी फिश की जो बनेगी उसका सालन जो है वो रेडी हो गया। ये चावल उबाल दिए मैंने, एक कन्नी ना इसमें रखी अभी, क्योंकि ये दम पे एक कन्नी जो होगी ना चावलों की, ये देखे ना बिल्कुल अलहदा अलहदा चावल है। अब ये चावल उबालने के बाद अब मैं इनकी तहें लगाऊंगी, वो जो फिश मैंने पका दी हुई है उसकी मैंने तहें लगा ली है। अब नीचे चावल डालें और उसके ऊपर मैंने फिश की तह लगा दी है, और काली मिर्च दादर की थोड़ी सी डाली है, और साथ ये हरी मिर्च एक दो तीन, और साथ लेमन के कतले। अब साथ साथ मैं चावल डाल लूंगी, फिर चावल डाली एक तह पहले डाली और फिर ऊपर मछली डाली, अब फिर चावल डाले, अब काली मिर्च थोड़ी सी, हरी मिर्चें कटी हुई, और मछली की तह लगा ली। ये सारे चावल 1.5 किलो चावल है उबाले हुए, काली मिर्च, ये मछली और चावलों की तहें लगा दी। अब मैं इसको दम पे लगाने लगी तकरीबन 5 से 10 मिनट खोलने लगी। अब बिरयानी का दम खोलने लगी, अब मैं चावल चावल बिल्कुल तैयार है। ये आपने हाथ से प्रेस करके चेक किया है ठीक, तो अब इसको अब हिलाएंगे कि बस इसी तरह सर्व ऐसे ही करना जब सर्व करने लगेंगे तो फिर इसको मैं ठीक है जी। ये हमारी फिश बिरयानी बिल्कुल रेडी है।